तैयार कर रहा है अदृश्य हथियारों की फौज। काली और दुर्गा के बाद एक और योद्धा की एंट्री। भारत लाएगा ऐसा हथियार जो नहीं देगा दिखाई। भारत का दोस्त रूस फिर से करेगा भारत की मदद। दोस्तों, हमने आपको भारत के सबसे रहस्यमयी और अजय योद्धाओं की वो जानकारी बताई जो अभी उपलब्ध है, यानी काली 1000 से लेकर काली 10000 और दुर्गा 2 लेजर हथियार। ये ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी न तो सरकार देती है और न ही किसी और के पास है। सिर्फ भारत के वो वैज्ञानिक ही इनकी जानकारी रखते हैं जो इस हथियार को बना रहे हैं, जो इसके संपर्क में हैं। दोस्तों, ठीक से कहें तो आने वाला समय ऐसे हथियारों का ही होगा। भारत ऐसे हथियारों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। कहा जा रहा है कि गलवान घटना के समय चीन ने भारतीय सैनिकों पर एक पहाड़ी से लेजर हथियार का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों को काफी परेशानी हुई थी। अब भारत ऐसे ही हथियार बना रहा है और गर्व करने वाली बात यह है कि भारत ऐसे हथियारों को तैयार करने में चीन से भी आगे निकल चुका है। काली और दुर्गा लेजर हथियारों को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि भारत लेजर हथियारों के लिए रूस की मदद लेने वाला है, क्योंकि लेजर हथियारों में रूस भी अच्छी तकनीक रखता है। हम आपको बताएंगे कि भारत रूस से कौन से लेजर हथियार की डील कर सकता है जिससे भारत दोनों सीमाओं पर अजेय हो जाएगा। अगर दुश्मन ने कोई भी गुस्ताखी की तो ये अदृश्य हथियार दुश्मनों को जलाकर राख कर देगा। काली और दुर्गा 2 के बाद एक और लेजर हथियार, इस बार रूस की तकनीक से बनेगा नायाब हथियार। दोस्तों, शायद आपने स्टार वॉर्स जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में कई बार लेजर हथियारों से ड्रोन और मिसाइलों को जलाकर भस्म करते देखा होगा। अब ये सिर्फ कल्पना मात्र नहीं रह गया है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में इसका पहली बार यूज करना शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन में कई ड्रोन और मिसाइल हमलों को अपने लेजर हथियार जदीरा के जरिए भस्म करने का दावा किया है। रक्षा वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इससे सैनिकों को अंधा किया जा सकता है। सवाल है कि आखिर ये हथियार कैसे हैं और किस तरह के हथियारों को जलाकर भस्म करने में सक्षम होते हैं, इनकी बनावट कैसी है और भारत इसे कैसे हासिल करने वाला है। दोस्तों, देखा जाए तो व्यापक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड का यूज करने वाले नए लेजर हथियार अब ट्रेडिशनल हथियारों की जगह ले रहे हैं। रूस ने भी यूक्रेन युद्ध में नए हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया है। रूस ने कहा है कि लेजर हथियार यूक्रेन में ड्रोन जलाकर भस्म कर रहे हैं। ये दावा ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों के जरिए जबरदस्त मदद कर रहे हैं। देखा जाए तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार 2018 में लेजर हथियार पेरेसोवेट का जिक्र किया था। यह नाम मध्ययुग के ऑर्थोडॉक्स योद्धा मॉन्क अलेक्जेंडर पेरेसोवेट के नाम पर रखा गया है। पेरेसोवेट की युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। रूस के डिप्टी पीएम और मिलिट्री डेवलपमेंट के इंचार्ज यूरी बोरिसोव ने दावा किया है कि यह हथियार पृथ्वी से 1500 किलोमीटर दूर मौजूद सैटेलाइटों को अंधा बना सकता है। वहीं रूस ने यूक्रेन में अपना नया और अधिक ताकतवर लेजर हथियार जदीरा तैनात किया है। जहां पेरेसोवेट सैटेलाइट को अंधा बना देता है, वहीं जदीरा ड्रोन और मिसाइलों को जलाकर खाक कर देने में माहिर है। लेजर हथियार इंफ्रारेड लाइट की बीम यानी किरण भेजकर अपने टारगेट को तब तक गर्म करता है जब तक कि वो जलकर खाक न हो जाए। जदीरा 5 किलोमीटर दूर मौजूद ड्रोन और मिसाइलों को 5 सेकंड के भीतर जलाकर भस्म कर देने में माहिर है। वहीं पेरेसोवेट पृथ्वी से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद सैटेलाइटों को अंधा बना सकता है। पेरेसोवेट इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैटेलाइट के जरिए ही परमाणु हथियारों को ले जाने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की निगरानी की जाती है। साथ ही ये फाइटर जेट के पायलट को अंधा कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल ने बताया कि जदीरा जैसे लेजर हथियार ड्रोन के साथ ही यूक्रेन के तोपखाने में तबाही मचा सकते हैं और यूक्रेनी सैनिकों को अंधा कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत ये प्रतिबंधित है। क्या भारत लेने वाला है रूस से ये तकनीक और कौन से देशों के पास है ऐसी तकनीक?
दोस्तों पुख्ता जानकारी तो नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत रूस से जदीरा और पेरेसवेट लेजर वेपन को हासिल कर सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत का चीन के साथ पंगा चल रहा है और चीन भारत पर ऐसे ही लेजर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं चीन ड्रोन्स के जरिए भी भारत पर हमला करने की कोशिश में है। वहीं ड्रोन के खिलाफ लेजर हथियार काफी कारगर हो सकते हैं। ये कितने इफेक्टिव होंगे ये मौसम पर निर्भर करता है, यानी अच्छे मौसम में ये पूरी तरह से काम करता है, जबकि कोहरा बारिश और बर्फ होने पर ये लेजर बीम अपने टारगेट से भटक सकती है। दोस्तों भारत के पास पहले से ही काली के कई वेरिएंट और दुर्गा 2 जैसे हथियार मौजूद हैं जो काफी खतरनाक हैं। 2021 की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे यानी दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी। इस लेजर वेपन का यूज थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों कर सकेंगी। हालांकि भारत रूसी तकनीक को हासिल कर रहा है, ऐसे में बहुत संभावना है कि भारत लेजर तकनीक भी हासिल कर सकता है। खैर दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को रूस से लेजर हथियारों की तकनीक हासिल करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।